Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIIMS Academy. So today we are going to start exercise 13.2 which is based on cylinder. So we are going to start the very first question of this exercise, and that is the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter. क्या पूछा उन्होंने? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. इसका मतलब उन्होंने दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया. हमें कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हाइट हमें दी हुई है कितनी? 14 सेंटीमीटर. तो देखिए, मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया है. सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर. रेडियस हमें पता नहीं. उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा आपसे डायमीटर. तो डायमीटर की एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, एंड दैट इज डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस. मतलब कि रेडियस का डबल होता है. ठीक है, तो अगर हम रेडियस निकाल लें और अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? वही हम करने वाले हैं. लेकिन रेडियस निकलेगी कैसे? वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया. देखिए, हमें हाइट दी हुई है कितनी? 14 सेंटीमीटर. रेडियस हमें पता नहीं, लेकिन हमें उन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दे दिया, एंड दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसी का हम यूज करके रेडियस निकालने वाले हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर निकालेंगे. तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? 2πr(h) विच इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए, 2 × π की वैल्यू कितनी होती है? 22/7. r की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हाइट तो हमें पता है 14, विच इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए, चाहे तो आप इसको यूनिट को लिखें या बाद में एंड में लिख देना, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा. अब इसको उधर लेकर जाएंगे. देखिए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 88 है. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. अब 88 को 88 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0. कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, लेकिन 0 नहीं आएगा. आंसर आएगा बेटा 1. ठीक है, और ये होगी सेंटीमीटर में. तो अब देखते हैं हमें क्या निकालना है. डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है बेटा? 2 × radius. तो 2 × radius, और रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा डायमीटर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर. क्लियर है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है. ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.